आज मैं MLA बना भी हूं, मैं नहीं बना, अल्लाह की नेमत दी है मुझे। मैं गिर भी गया तो उठा के दिए, दो दो तीन तीन बार, मेरी अगर हिस्ट्री सुना तो शाक हो, ये अल्लाह की नेमत, और इस नेमत को कोई छीन नहीं सकता सिवाय उसके। तो लोग दिल में ऐसा का बोल दे रहे, दिल में ऐसा का, एक ही पूरे कर्नाटक में एक ही MLA की चर्चा चल रही, एक ही पूरे कर्नाटक में, सिर्फ पूरा, चाहे पेपर ले लो, मीडिया ले लो, कुछ टीवी, कुछ लोग क्यों बोले तो मिला नहीं, देखा नहीं। अगर मेरे पास काम नहीं किया तो पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कर्नाटक में हाईएस्ट काम क्यों? आप कितना भी मेरे पीछे हसद, बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, मुझे एक को देखा नहीं जा रहा। चार चार पांच पांच डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सुबह उठते कि शाम उठते कि मेरे बारे में, सुबह शाम दोपहर, खाना तक नहीं खा सकते वो लोग डेली। आज देखो सुबह शाम दोपहर अपने MLA के बारे में नहीं बोल रहे, अपने दूसरे पार्टियां में अगर मेरे बारे, हर इंसान सिर्फ मेरे, एक ही MLA देखा नहीं जा रहा, उनके पांच पांच MLA है, उनको बारे में कुछ नहीं हो रहा। उनके पास मैं देखो, उनके पास जाके पैर पड़ते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, उनको इतनी दूर से आधी किलोमीटर से 100 times फोन, एक एक घंटा वेट करते रहते हैं। अच्छा यहाँ एक MLA, अगर उतनी बनने की ख्वाहिश है तो दूसरा MLA साउथ में बन सकते हैं ना, वहां पे भी सेम माइनॉरिटीज है, उमनाबाद में बन सकते हैं, बसों के लाइन में बन सकते हैं। लोग वो सोच रहे हैं एक के दो MLA लेने का, एक है उसको भी खत्म, एक एक ईंट खुदा की कसम ऐसा बनायो हर समाज के लोगों में, आप सोच नहीं सकते उतने दिलों में अल्लाह मुझे, मैं कुछ नहीं, अल्लाह उनके दिलों में डाला है। और खुदा की कसम तहजीब इस्लाम, हम एक खुदा को मानने वाले, बोलने वाले, और आज तक भी खैर हम एक वर्ड नहीं बोला। एक अदर कम्युनिटी आप देखिए टीवी, वीडियो, व्हाट्सएप, पेपर में देखिए कि उनका काम है, मेरे बारे में अपोजिट बोलने वाला कट्टरवादी लोगों का, मेरे अपोजिट पार्टी वालों का, जो खुदा को नहीं मानने, अल्लाह को नहीं मानने वाले लोगों का, वो लोगों का अगर तहजीब बोलना है, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यू में उर्दू डे, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, खासकर आज बहुत ही अच्छे तरीके से रंग मंदिर में ये प्रोग्राम हुआ है। गौर फिक्र हुई है, और हमारे गुलशन सर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं, क्योंकि उनकी पूरी सर्विस एजुकेशन फील्ड में गुजरी है। हमारे सिंधे सर भी, उनकी भी सर्विस एजुकेशन में गुजरी है, और खासकर आज बिदर में नहीं, हमारे कर्नाटक में, पूरे भारत देश में शाहीन स्कूल का नाम लिया जाता है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, खासकर लोग तरक्की में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं, तो शाहीन स्कूल में हजारों लाखों बच्चे पढ़ लिख के, कोई बच्चा डॉक्टर ही कर रहा है बोलो तो शाहीन स्कूल से पढ़े थे क्या, बोल के ऐसा लफ्ज कहीं भी जाओ ये बात हो चुकी है। हम परसों महेश्वर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जब विजिट किए तो वहां पे 10-15 बच्चों से इंटरव्यू लिए, उसमें 90% स्टूडेंट्स शाहीन स्कूल से पास हुए बोलते थे, ये बहुत बड़ी देन है। इस तरह से डॉक्टर मकसूद चंदा साहब है, और अभी मैडम बात किए हैं आपके सामने, और हमारे गंगे सर भी बात किए हैं, सभी गेस्ट उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं। सच बात है कि उर्दू जबान भी खुदा के तरफ से हमको बहुत बड़ी नेमत दी गई थी, ये नेमत ये कोई लाया गया नहीं, हर चीज दुनिया में नजर आ रही है, कुदरत की देन है और नेमत है। और उर्दू जबान के बारे में कितना भी बोले तो कम है, जिसको शीरीन बोलते हैं, उतनी प्यारी, उतनी मोहब्बती जबान, दिलों को जोड़ने वाली,
इतना प्यार, इतना रेस्पेक्ट, इतनी तहजीब इस जबान में है। शायद हम सब लोग खुशकिस्मत है कि खुदा हमको ये नेमत दी, इसको गौर फिक्र हर एंगल से लिया जा रहा है। लेकिन कुछ सरकारों की वजह भी है इसमें, ये बैक होने की वजह से बैक हो रहा है, और कुछ हमारी वजह भी है जो ये जबान को लेके हम पीछे हो रहे हैं। इसका मेन रीजन जैसा गवर्नमेंट से कई बार टर्म्स कंडीशन आ गए, जितने स्कूल पढ़ रहे हैं उर्दू मीडियम या कन्नड़ा मीडियम या कौन से मीडियम लैंग्वेज के मीडियम, वहां पे मिनिमम 50 ईच क्लास 50 बच्चे तो रहना बोल। तो कई स्कूलों में आप देखिए, नहीं तो वो स्कूल क्लोज करो, नहीं तो दूसरे तरफ अटैच करो। ये कंडीशन आने के बाद तो बहुत जगह मुश्किल हो रही है, बच्चे 25, 30, 40 एक एक क्लास में। तो ये मुश्किलात के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार। तो मैं समझता हूँ उसके लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। तो जितना हो सकता है हम सरकार पे दबाव जरूर डालेंगे, डालते आ रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। बच्चों को स्कॉलरशिप तक नहीं दे रहे, आप समझिए 5-10 हजार बड़े बड़े इंजीनियरिंग मेडिकल जो जा रहे पूरे स्कॉलरशिप तक रोक दिए। तो हम भी हमारी तरफ से कुछ कोशिश, एक इंतजाम बनना चाहिए। सरकार जिसको रोक रही है उस चीजों को हम आगे लेके जाएं, हम गरीब बच्चों को सपोर्ट करें, हम वो स्कॉलरशिप दुआ करिए कि हम जरूर ये ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों के लिए काम करेंगे। और आने वाले दिन में उर्दू के लिए जोर से आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाने के बाद अगर क्लास में अगर बच्चे पढ़ने में वहां स्ट्रेंथ अगर नहीं रहा तो बहुत ही मुश्किल है। अभी भी यही बात हो रही थी कि इस आवाज उठाने के लिए कितने लोगों में जज्बा है, कितने लोग आए बोल सरकार पे डालते हैं, वो सही बात है। बड़े बड़े ऐसी अगर वो तारीख में गए तो बड़े बड़े कंट्रीज को ब्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल है, इस्लाम का दुश्मन है या हमारे लोगों के इसमें प्रॉब्लम इश्यू करते हैं। ठीक है, वो टॉप लेवल चलता होगा, वो बड़े लेवल वो लोग करते होंगे, लेकिन हम अपने आप को यहां तो आपको अमेरिका इसराइल रोक रहा नहीं, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन का हक छीन रहा है, पड़ोस में बाजू घर वाले के बारे में आप पूछिए, ये बाजू पड़ोस किस तरह कैसे हमारे साथ रहता है, इसके लिए तो वो अमेरिका आके डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, उर्दू पढ़ाने के लिए तो अमेरिका आके रोक रहा नहीं। ऐसे बहुत से मिसाल है, भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, रिश्तेदारों में मोहब्बत नहीं है, महिले में गरीब का क्या हाल है उनको कोई पूछने तैयार नहीं। एक वार्ड में 5,000 लोग रहते हैं, अगर 100-100 रुपए दिए तो 5 लाख रुपए होते हैं। एक वार्ड में 5,000 लोग है, सिर्फ 100-100 रुपए दिए तो 5 लाख रुपए होते हैं महीने में, और 5 × 12 करे तो 60 लाख रुपए होते हैं। कितने गरीब है एक एक महीने में, वहां हम उनके प्रॉब्लम में, शादी के एक्सीडेंट में, हॉस्पिटल में अगर मदद करे तो बहुत कुछ है। तो वो लोग, हम सिर्फ टॉप लोगों को, बड़े बड़े लोगों को ब्लेम करते हैं, अपने आप को हम हकूक में कहा है। हमारे दिल में हसद, हमारे दिल में जलस, चुप चुप के कुछ नहीं, मिले नहीं, बात नहीं करे, देखे नहीं, चुप ही जलस। इस्लाम तो हमारा खुदा, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को मोहब्बत प्यार बांटने के लिए हम जिंदा आए सोए, लेकिन हम दुनिया की उलझन में हमको मिले नहीं, दिए नहीं,
इन्हें आगे क्यों जा रहा। आज मैं एमएलए बना भी हूं, मैं नहीं बना, ये अल्लाह की नेमत दी है मुझे। मैं गिर भी गया तो उठा के दिए दो दो तीन तीन बार, मेरी अगर हिस्ट्री सुना तो शाक हो, ये अल्लाह की नेमत, और इस नेमत को कोई छीन नहीं सकता सिवाय उसके। कितना भी मेरे पीछे हसद बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, मुझे एक को देखा नहीं जा रहा। चार चार पांच पांच डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सुबह उठते कि शाम उठते कि मेरे बारे में, सुबह शाम दोपहर खाना तक नहीं खा सकते वो लोग डेली। मेरी आज थोड़ी हेल्थ भी दो तीन दिन से ठीक नहीं है, मुझे शिवरिंग हो रही, मैं बात कर रहा तो भी खुदा की कसम, ये अल्लाह की नेमत को सुबह दोपहर शाम मेरे बारे में खिलाफ। मैं दो चार एग्जाम्पल बोल के बात करता हूँ। आजुक बाजुक दूसरे एमएलए कॉन्शंसी है, वहां पे एक 150 बेड का हॉस्पिटल खोलो बोल के वहां के लोग मेरे से डेली आके मिलते हैं, 10 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल है, यहाँ 9 हॉस्पिटल खोला हूं मैं, फिर भी एमएलए क्या करे। वो 500 बेड का हॉस्पिटल वो सिटी में, 100 बेड का हॉस्पिटल मेरे एमएलए ऑफिस के पास, 30-40 बेड का ऑफिस नौबाद में ऑफिस, गवां में 50-50 बेड के हॉस्पिटल खोला हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल से चालू हुआ है, 100 करोड़ रुपए लगे। किसी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है क्या पूछ लो किसी, फिर भी एमएलए को ब्लेम करते हैं। किसी डिग्री कॉलेज खोला है क्या पूछ लो। ओल्ड सिटी में सरकारी मार्केट थी, बाहर शिफ्ट किया 30-40 करोड़ रुपए। ओल्ड सिटी में गर्ल्स स्कूल में 1.5 करोड़ रुपए लगा के, हमारे माइनॉरिटीज के लड़कियां पढ़ते हैं बोले तो 1.5 करोड़ लगा के 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, गर्ल्स स्कूल में जाकर देख सकते हैं। अंदर 5-6 प्राइमरी स्कूल बनाया। ऑटो नगर देखिए बहुत इतनी लंबी, 1,000 करोड़ रुपए का काम किया विथ रिकॉर्ड के साथ। रिंग रोड देख लीजिए, गांधीगंज में जाकर देख लीजिए, यूजीडी 24 पानी के पहले 3 टाकी थे, 17 टाकी बनाया, बहुत लंबी है, फिर भी मुझे ही बोलते हैं। और खुदा की कसम तहजीब इस्लाम, हम एक खुदा को मानने वाले बोलने वाले, और आज तक भी खैर हम एक वर्ड नहीं बोला। एक अदर कम्युनिटी आप देख लिए टीवी वीडियो व्हाट्सएप पेपर में देख लिए कि उनका काम है, मेरे बारे में अपोजिट बोलने वाला कट्टरवादी लोगों का, मेरे अपोजिट पार्टी वालों का, जो खुदा को नहीं मानने अल्लाह को नहीं मानने वाले लोगों का, वो लोगों का अगर तहजीब बोल रहा है, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं यहां कभी एमएलए बनूंगा हमेशा के लिए रहूंगा बोल के नहीं, कब खत्म हो जाऊंगा नहीं मालूम, और जल मौत आने वाली है हर इंसान को। 8 दिन पहले 15 दिन महीना पहले आप, मैं इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया हूं, 2 माँ 2 बेटे एक ही घर के, छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे, माँ कपड़े धो रही, बच्चा पानी में खेल रहा है, एकदम डूबना शुरू होगा तो माँ बचाने जाती है, माँ भी खत्म बेटा भी खत्म, 2 माँ भी 2 बेटे टंटी में, वो किसी का कुछ नहीं किया है लेकिन खुदा इतना पनिशमेंट दे रहा है। अलंबर में 2 भाई एक ही माँ को 2 बेटे, 2 के 2, एक भाई बचाने के लिए गया पानी का सेम हिस्सा, वो भी खत्म। नौबाद में एक औरत मेरा शर्ट पकड़ के पूरा रोते रोते मेरा शर्ट फट गया, सुबह बच्चा छेती में है, माँ सुबह 7 बजे उठा के तू ब्रश कर बेटा, मैं तेरा टिफिन रेडी कर रही किचन में, और उस बाथरूम में गरीब बेरा झोपड़पट्टी टाइप बेरा, उसमें सांप था, वो बच्चे को काट लिया। एक ही बेटा बच्चे को ले तक बच्चा खत्म, और वो माँ मुझे बुलाई, मैं बोला कुछ तो मर गए पैसे देना होगा, जब मैं पैसे लेके गया तो पैसे ली नहीं मेरे से, मेरा शर्ट फट गया, जब तक गले में नहीं छोड़ी ये बच्चे को तुम्हें उठा लेके चले जाओगे। और खुदा की कसम वो बच्चे को मैं आधी किलोमीटर तक उठा ले गया, मेरी आंखों में इतने आंसू आए, ये बच्चा उसका नहीं है, एक दिन मेरा भी बच्चा हो सकता है, इस तरह से जरूर मेरी माँ हो सकती है, मेरा भाई हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है। मैं मेरी जिंदगी में जब तक शुरू हुआ मैं बोले उसके बाद मेरी जिंदगी बेकार है, आज तक वो सीन फिरते रहती कि मैं पहली बार बच्चे को उठा के लेके गया तो। लेकिन आज देखो सुबह शाम दोपहर अपने एमएलए के बारे में नहीं बोल रहे, अपने दूसरे पार्टियां में अगर मेरे बाद हर इंसान सिर्फ मेरे एक ही एमएलए देखा नहीं जा रहा, उनके 5-5 एमएलए है, उनको बारे में कुछ नहीं हो रहा। उनके पास मैं देखो उनके पास जाके पैर पड़ते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, उनको इतनी दूर से आधी किलोमीटर से 100 टाइम फोन एक एक घंटा वेट करते रहते हैं। अच्छा यहां एक एमएलए, अगर उतनी बनने की ख्वाहिश है तो दूसरा एमएलए साउथ में बन सकते ना, वहां पे भी सेम माइनॉरिटीज है,
उमनाबाद में बन सकते हैं, बसों के लाइन में बन सकते हैं। लोग वो सोच रहे हैं एक के दो एमएलए लाने का, एक है उसको भी खत्म। एक एक ईंट खुदा की कसम ऐसा बनायो हर समाज के लोगों में, आप सोच नहीं सकते उतने दिलों में अल्लाह मुझे, मैं कुछ नहीं, अल्लाह उनके दिलों में डाला। जिस तरह से शाहीन स्कूल आज आगे आया है, हर समाज के लोग वहां पे पढ़ रहे हैं, उसके लिए खदीर भाई को मालूम वो क्या मेहनत की है। अगर मैं आज शाहीन स्कूल के बारे में गलत भला भला बोलो, उसको बर्बाद करने की सोचो, अरे तू मैं खोलना है तो और एक शाहीन स्कूल खोलो, मतलब मैं और एक चार स्कूल खोलो, पर उसको क्यों खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो लोग दिल में ऐसा का बोल दे रहे, दिल में ऐसा का, एक ही पूरे कर्नाटक में एक ही एमएलए की चर्चा चल रही, एक ही पूरे कर्नाटक में, सिर्फ पूरे चाहे पेपर ले लो, मीडिया ले लो, कुछ टीवी, कुछ लोग क्यों बोले तो मिला नहीं, देखा नहीं। अगर मेरे पास काम नहीं किया तो पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कर्नाटक में हाइएस्ट काम क्यों? आप आईटीआई में निकाल देख सकते, आरटीआई में निकाल कर देख सकते हैं। मैं तो बोल छोटा बोला हूं, करोड़ रुपए का काम, एक एक चीजें बनाए। मैं वेयरहाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, 50 करोड़ के वेयरहाउस बनाए, जो गोदामा बने जो मयूर में है ना, ऐसे गोदामा 5-5 साल कीड़ा नहीं लगता, जर्मन टेक्नोलॉजी के, रिंग रोड पे आपके जाके देख सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, इमीडिएट स्टेडियम को 4 महीने था स्टेडियम को, तो नया स्टेडियम बनेगा, अभी पैसा रखा था 100 करोड़ रुपए रखा था, मगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो पूरा प्लान चेंज हो गया। इंडोर स्टेडियम, अंदर के कई स्टेडियम बनाए, यहाँ हॉस्पिटल में एक ही वार्ड में 300 करोड़ रुपए का काम क्यों? एक वार्ड में 150 करोड़ तो ब्रिम्स हॉस्पिटल, अंदर क्वार्टर्स 20-25 करोड़ के, नर्सिंग कॉलेज, और ये पूरे एक ही वार्ड में आता स्टेम। इस तरह से मैं जितना हो न सका किया, मगर इस्लाम उर्दू जबान एक तहजीब सिखाई थी, दिल में ऐसा का बोलते रहे। लोग अदर कम्युनिटी के मिलकर बोलते रहते यार ये काम तो हम करने का, तुम्हारे लोग ही कर रहे हैं, फिर हम खामोश बैठे हुए। तो आप बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, आगे तरक्की देखना नहीं चाह रहे हमारी। और जो मुझे अल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा है, हमारा ईमान है, पत्ता भी हिल नहीं सकता हमारे ईमान को, और गरीबों की दुआओं को, आप लोगों के प्यार को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन अल्लाह जिसको देता है उसको कोई रोक नहीं सकते। आप दुआई करिए हमारे तकलीफ में, मैं कई गरीबों के तकलीफ में इन्वॉल्व हुआ हूं, और मेरी अगर तकलीफ आगे आ रही है तो आप मुझे दुआ करिए, हाथ पकड़िए, इंशाल्लाह जरूर मैं ईमानदारी से और खुदा की कसम खा के बोलता हूं, एक आदमी को भी धोखा नहीं दिया, एक को चीटिंग नहीं दिया, किसी को हटको ठहरो नहीं बोला, कोई मेरे खिलाफ बोला तो भी मैं मालिक तू दुआ कर, मैं तो वह छोटा आदमी है, बड़े बड़े वलियों को मोहम्मद गावान को नहीं छोड़े, मैं तो क्या हूं, सिर्फ ऐसा ही दुआ ही दिया हूं और आगे भी दुआ ही दूंगा। अल्लाह उनको, ये बहुत इतिहास है, और 70 साल की हिस्ट्री में मामूली बात नहीं है, जिस तरह से शाहीन स्कूल में हर समाज के लोग रहते हैं, मुझे भी हर समाज के लोग मदद की हिस्ट्री, 70 साल की हिस्ट्री में 3 बार आज तक कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं आया, एक बार आया तो उसके बाद सेकंड आया नहीं, तो ये 3-3 बार मुझे बिदर के समाज इतना प्यार मोहब्बत सब कुछ नजदीक से जानती है। मैं किसी को अमीर गरीब नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई गुंडाइज्म नहीं, कोई धोखाइज्म नहीं, जितना हो सके प्यार किया हूं, और आप दुआ करिए, सिर्फ आपके दुआ से मैं यहां टिके हुआ हूं। आप हाथ उठाइए फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, इतना बोलते मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं।